हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा विवेक और आपका स्वागत है हमारे चैनल के कौन ने वीडियो पे। और आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आप सभी को कि आप ऐसा डेस्कटॉप कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, जो मेरा डेस्कटॉप है बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लुक देता है, बहुत ज़्यादा क्लीन लुक दिखता है, क्लमजी नहीं दिखता जैसे पहले हमारा डिफॉल्ट में रहता है। तो अगर आपको ऐसी प्रोफेशनल लुकिंग डेस्कटॉप चाहिए तो हमारी वीडियो को अंत तक देखिए। उससे पहले यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और जितना हो सके यार शेयर करते जाओ। और जो भी रिकमेंडेशन है आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, मैं उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। और जो भी मैं बताने वाला हूं, जो भी सॉफ्टवेयर मैं यूज़ करूंगा, उसका डिस्क्रिप्शन में एक मैंने लिंक दे दिया है रार फाइल के अंदर, उसे आपको डाउनलोड करना है। और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में रार फाइल डाउनलोड कर लेना है। और आप देख सकते हैं कि जैसा मेरा दिख रहा है डेस्कटॉप बहुत ज़्यादा कूल दिख रहा है। अब हम अपने नॉर्मल सेटअप में आ जाते हैं, जो कि हमारा डिफॉल्ट यहाँ देख सकते हैं कि मैं अपना नॉर्मल डेस्कटॉप में आ चुका हूँ। और नॉर्मली आप सभी का ऐसे ही दिखता होगा डेस्कटॉप, तो मैंने वॉलपेपर चेंज कर दिया है, इसलिए आपको थोड़ा सा अलग लग रहा होगा, लेकिन कोई भी वॉलपेपर डाल सकते हो, है ना। तो अगर आपको वैसा वॉलपेपर चाहिए जो मैंने पहले दिखा डेस्कटॉप चाहिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, आपको जो फाइल मिलेगा वो कुछ इस तरह होगा। कहाँ गया, तो आपको ये विन डिज़ाइनर नाम का फोल्डर मिलेगा जो कि करीबन 70 MB का है। ये रार फाइल मिलेगा आपको, इसे एक्सट्रैक्ट करना, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको ऐसा फाइल्स मिलेगा यहाँ पे, रेनमीटर नेक्सस डॉट कॉन्फिग फाइल्स आइकन्स एंड वॉलपेपर्स। सबसे पहला जो चीज़ हमें करना होता है वो करना होता है वॉलपेपर। वॉलपेपर आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ मैं इसे चूज़ कर लेता हूँ। तो वॉलपेपर हमारा दूसरा लग चुका है। उसके बाद जो हमें करना होता है वो करना होता है हमारा रेनमीटर एंड नेक्सस से। तो सबसे पहला चीज़ जो आपको करना है वो आपको करना है नेक्स्ट रेनमीटर को इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पर मैं स्टैंडर्ड चूज़ करता हूँ, और यहाँ पर आपको दोनों को टिक करके रखना है। उसके बाद आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे मैं रेनमीटर को जो अनइंस्टॉल करके फिर इंस्टॉल किया हूँ वापस से आपको दिखाने के लिए। तो रेनमीटर मैंने इंस्टॉल कर लिया है, और आपको रन रेनमीटर पे क्लिक करके इसे फिनिश कर देना है। तो जैसे ही आप करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा चीज़ आ गया, अलग अलग चीज़ आ गया है यहाँ पे। तो हम अभी के लिए इसे छोड़ देते हैं, और हम जाते हैं नेक्सस को इंस्टॉल करने। नेक्सस का भी वही इंस्टॉलेशन है, तो अब हम जाते हैं नेक्सस को इंस्टॉल करने। नेक्सस का भी वही इंस्टॉलेशन है, पूरा सेम होगा। तो यहाँ पे नेक्सस में जाना है, और आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो जैसे कि देख सकते हैं, जैसे इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे आपके पास ऐसा आएगा, और यहाँ पे आपको एग्री करके यहाँ नेक्स्ट करना है, और यहाँ पे आपको लॉन्च पे क्लिक करके इसे फिनिश कर देना है। तो जैसे देख सकते हैं आप, जैसे ही हमने एक्सेस को किए तो ये यहाँ पे आ चुका है, जो कि मैक ओएस टाइप का लगता है, और ये रेनमीटर की मदद से आया हमारा। तो सबसे पहला जो चीज़ हम करेंगे वो करेंगे हम डेस्कटॉप आइकन्स को हटाना। तो यहाँ पे आपको व्यू पे क्लिक करके यहाँ सो डेस्कटॉप आइकन्स को हाइड कर देना है। बस भाई इतना ही सा काम था हमारा, आधा से ज़्यादा जो काम हो चुका है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें ये सब कुछ चेंज करना है जैसा कि एक प्रोफेशनल लुक लगे। तो यहाँ पे हम इस पे राइट क्लिक करेंगे और अनलोड स्किन कर देंगे, और यहाँ पे भी। तो जैसे कि देखा आपने, हमने अनलोड स्किन कर दिया, बहुत ज़्यादा ये खाली लगने लगा है। अब हम पहला टूल बार को कर देते हैं अलग। तो सबसे पहले यहाँ आपको जाना है टास्क बार सेटिंग। यहाँ जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे सेटिंग्स ओपन होगा, और यहाँ पे आपको करना है ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार इन डेस्कटॉप मोड, इसे आपको ऑन कर देना है। जैसे ही आप ऑन करेंगे यहाँ देख सकते हैं, जैसे ही आप कर्सर पास मिलेंगे तभी वो ओपन आएगा, नहीं तो वो हमेशा नीचे ही रहेगा। जैसे आप नीचे ले जाएंगे वो ओपन हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ से अगर आपको जानना है तो यहाँ से आपको सर्च बॉक्स जो आ रहा है आपको यहाँ पे आता रहेगा, आपको यहाँ सर्च पे जाके और आइकन बस दिखा देना है आपको। अब हम क्या करेंगे, इसे मिडिल में लेंगे जितना भी आइकन्स हमारा। उसके लिए आपको क्या करना होता है, यहाँ टूल बार में आपको लिंक मिलेगा, लिंक जैसे ही मिलेगा और आपको यहाँ पे अनलॉक कर देना है टास्क बार को। जैसे करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं दो डॉट आ चुका है दोनों साइड में। अब हम क्या करेंगे, इसे डॉट पूरा दोनों को लेके पूरा साइड में ले जाएंगे, जैसे कि जो हमारा एप्स है वो इस साइड आ जाएगा। तो हमें इसे लेके जाना है मिडिल में, जहाँ भी आपको लेके जाना है ले जाइए, और यहाँ पे फिर हमें सो टाइल्स और सो टेक्स्ट ये दोनों को बंद कर देना है। बंद करते ही यहाँ पे हमें लॉक कर देना है टास्क बार को, जिससे कि यहाँ पे मिडिल में सेट हो जाएगा। आपको ठीक से देखना है कि कहाँ पे ये मिडिल में सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसके हिसाब से आप अपना एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अब आपने जैसा देखा कि हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम कर चुका है, अब आपको क्या करना है, आपको अपना रेनमीटर जो भी सॉफ्टवेयर है जो मैंने बताया था उसे ओपन कर लेना है, और यहाँ पे आपको नेक्सस भी ओपन कर लेना है। तो यहाँ मैं ओपन कर लेता हूँ दोनों, फिर हम देखते हैं कि क्या करना होता है। तो जैसे ही आप नेक्सस ओपन करेंगे तो आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पे आपको एडवांस सेटिंग मिलेगा। एडवांस पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे हमें रिस्टोर करना है। रिस्टोर पे क्लिक करने के बाद हमें वहाँ पे जाना है जहाँ पे अपना आपने एक्सट्रैक्ट किया था वो रार फाइल को। तो मैंने यहाँ पे डाउनलोड पे किया था, और यहाँ पे मुझे जाना है कॉन्फिग फाइल्स में। कॉन्फिग फाइल्स में जाते ही मुझे यहाँ पे मिलता है डॉग आइकन कॉन्फिग्स और मॉन फाइल और पेस्ट मॉनिटर। तो मुझे चूज़ करना है डॉग फाइल को, जो कि यहाँ पर है डॉग आइकन कॉन्फिग। यहाँ पे इसे मैं ओपन कर लेता हूँ,
और यहाँ पे जैसे ही हम अप्लाई करके देख सकते हैं यहाँ पे हमारा क्वेश्चन मार्क गए, जो कि मैं आगे बताऊंगा कि कैसे आपको करना है। तो हमारा जो भी था नेक्सस में वो काम खत्म हो चुका है। तो अगर आपको फिर जाना है जहाँ पे आपने एक्सट्रैक्ट किया था फाइल्स को, जहाँ जैसे कि देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया था विन डिज़ाइनर को, तो यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे कॉन्फ़िग फाइल्स में जाता हूँ और यहाँ आपको तीन फाइल मिल रहा होगा, मॉन्ड, डॉक आइकन कॉन्फ़िग और पेस्ट मॉन्डियर। तो यहाँ क्या करना है आपको, इसे ले जाके यहाँ पे पेस्ट कर देना है, जो शॉर्टकट की है ये आपको क्या करेगा डॉक्यूमेंट में एक बना देगा रेन मीटर के अंदर ही एक फोल्डर। तो यहाँ पे इसे क्लोज कर देते हैं वापस से हम, और वापस से हम रेन मीटर को ओपन कर लेते हैं। तो जैसे ही रेन मीटर ओपन हुआ हम रिफ्रेश जैसे ही करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे माउंट फाइल भी आ चुका है। अब माउंट के साइड में हमें क्लिक करना है और यहाँ पे क्लॉक देख सकते हैं क्लॉक भी आ चुका है, डबल क्लिक करके हम ला सकते हैं और प्लेयर भी हम ले आते हैं, प्लेयर भी आ चुका है। अब हम इसे बंद कर देते हैं। अब देख सकते हैं आप अपने हिसाब से यहाँ पे मिडिल में रख सकते हैं जहाँ भी आपको डालना है। तो यहाँ पे मैं ऐसा डाल देता हूँ और यहाँ पे ऐसा डाल देता हूँ। और यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके आपको सेटिंग्स में जाना है और यहाँ से ड्रैगेबल को हटा देना है। जब आप उससे कन्फिग अच्छे से कर लेंगे जहाँ पे आपको एक पोजीशन दिखेगा कहाँ पे करना है, उसके बाद आपको सेटिंग्स में जाके यहाँ से ड्रैगेबल हटा देना है जिससे कि ये मूव ऑन नहीं करेगा। और जैसे ही आप अपना कंप्यूटर को स्टार्ट करेंगे तो ये सबसे पहला चीज़ यही सब आ जाएगा। अब यहाँ देख सकते हैं नेक्सस में क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो हमें अपना ऐप्स डालना है, तो वो हम कैसे डाल सकते हैं अब मैं वो आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है, यहाँ पे आपको सर्च बार मिलेगा, सर्च बार में आपको जो भी सॉफ्टवेयर चाहिए, जैसे मुझे चाहिए सोचिए विजुअल स्टूडियो कोड, यहाँ पे मुझे मिलता है। अब मैं इस पर राइट क्लिक करके ओपन फाइल लोकेशन पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं ओपन करूँगा यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक शॉर्टकट आ चुका है उसका, तो मैं इसे बड़ा करके दिखाता हूँ। यहाँ पे शॉर्टकट आया है, मैं क्या करूँगा इसे ड्रैग करके यहाँ पे जहाँ पे भी मुझे करना है यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा। और अगर आपको क्वेश्चन मार्क हटाना है तो यहाँ से आपको रिमूव फ्रॉम डॉक मिलेगा, ऐसा करके आप यहाँ से जो भी फाइल है आपका वहाँ ला सकते हैं। जैसे कि मैं अभी सारा चीज़ सेटिंग कर लेता हूँ फिर हम आगे का वीडियो देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे जो भी मेरा सेटिंग्स था मैंने सब अप्लाई कर दिया है। यहाँ पे जो भी मैं सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करता हूँ रेगुलरली और मुझे इंपॉर्टेंट लगता है मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है। अब सोचिए कि आपको यहाँ पे जो आइकन है उसे चेंज करना है, उसका डिज़ाइन चेंज करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सेटिंग मैंने लाया है तो यहाँ पे आपको जाना होगा, यहाँ पे डॉक एंट्री प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे ऐसा मिलेगा, यहाँ पे चेंज आइकन का ऑप्शन मिलेगा, चेंज आइकन पे करके आपको ब्राउज करना है और वहीं पे जाना है जहाँ पे मैंने बोला था। और यहाँ पे देख सकते हैं डिजाइनर में जो हम आइकन था आइकन में जाते हैं और यहाँ से हम सेटिंग को चूज कर लेते हैं। चूज करते ही हमें यहाँ पे ओपन पे क्लिक करना है और इसे अप्लाई कर देना है। तो जैसे कि देख सकते हैं बहुत ज़्यादा फ्लूइड एनिमेशन था जब ये कन्वर्ट हुआ, इसका आइकन चेंज हुआ, तो बहुत ज़्यादा अच्छा। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं फोटोशॉप भी हम कर सकते हैं वैसे ही, तो फोटोशॉप में भी जाते हैं, चेंज आइकन पे जाते हैं, यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम जाते हैं वहीं पे फोल्डर में जहाँ पे हमने डाउनलोड किया है। यहाँ पे हम आइकन्स में आते हैं और यहाँ पे फोटोशॉप देख सकते हैं, यहाँ फोटोशॉप का भी है, अगर आपको कुछ भी रहेगा जैसा यहाँ माय पीसी का भी है तो आप वो डाल सकते हैं अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है। तो यहाँ मैं फोटोशॉप को यूज़ करता हूँ और यहाँ पे मैं अप्लाई इसे कर देता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैं फोटोशॉप को भी चेंज कर दिया उसका आइकन को। तो ऐसे करके ही आप जो भी आपके पास सॉफ्टवेयर है, मैं हो सके तो और भी आइकन्स आपको देने का कोशिश करूँगा, लेकिन अभी जितने ही है मैं उतने ही कर पाया। और ऐसे करके आप चेंज कर सकते हैं अपना आइकन्स भी और इसे बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं अपने डेस्कटॉप को। तो मैंने आपको सब चीज़ बता दिया कि आप कैसे अपना डेस्कटॉप को चेंज कर सकते हैं फुल्ली, और अभी ये दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छा है प्रीवियस वाले से। जैसे कि आप खुद देख सकते हैं बहुत ज़्यादा पहले क्लम्जी लगता था लेकिन अभी बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लुक लगता है और एस्थेटिकली बहुत ज़्यादा प्लीजिंग लगता है ये चीज़। तो आप भी ये कर सकते हैं अगर आपको भी अपना पहले वाला डेस्कटॉप को बहुत ज़्यादा हेट करते थे या फिर कुछ भी करते थे, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं और बहुत आपको अच्छा लगने वाला है। तो बस इतना ही था यार इस वीडियो में, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा। तो इसके लिए यार एक लाइक प्लीज़ बनता है और कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपके पास कुछ भी सजेशंस हो या फिर रिकमेंडेशन हो। इसके बाद हम एक रिव्यू का भी करने वाले हैं, एक प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाले हैं, तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बेल आइकन को भी दबा देना और इस वीडियो को जितना हो सके यार शेयर करना अगर आपको लगता है कि किसी दूसरे को ये चीज़ें देखने से हेल्प हो सकता है। तो मिलते हैं हमारे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यार गुड बाय।